जब भी हम होम, पर्सनल या कार लोन लेना चाहते हैं तो हम बैंक जाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को देखकर लोन अप्रूव करता है। इन सब में एक हफ्ते से लेकर 15 दिनों तक का वक्त लगता है, लेकिन इसका आसान तरीका भी है। ये है प्री अप्रूव्ड लोन। यहाँ ना तो बैंक जाना पड़ता है और ना ही लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर या पेमेंट हिस्ट्री को देखकर एक निश्चित राशि का लोन पहले से ही अप्रूव कर देते हैं। आप चाहें तो उतनी ही राशि का या फिर उससे कम राशि का लोन ले सकते हैं। इसे ही प्री अप्रूव्ड लोन कहा जाता है। अगर बैंक एग्जीक्यूटिव आपको फोन पर इस तरह के लोन की जानकारी देते हैं या फिर बैंक की ऐप या नेट बैंकिंग वेबसाइट पर प्री अप्रूव लोन की जानकारी मिलती है। ये लोन लेने का सबसे आसान और बेहद तेज तरीका है। आमतौर पर ये पेपरलेस होता है। आप ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद बेहद आसानी से इस राशि को अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए अब इससे जुड़ी बातें जान लेते हैं, इसका तरीका जान लेते हैं, साथ ही जान लेते हैं कि क्या आपका प्री अप्रूव लोन भी रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं। प्री अप्रूव्ड लोन के लिए पहले ये जान लेते हैं कि संभव है कि आपके दोस्त को ये पेशकश की जाए लेकिन आपको ये लोन ना मिले। ये भी संभव है कि बैंक आपको 2 लाख रुपए के पर्सनल लोन की पेशकश करे और आपके दोस्त को 5 लाख रुपए की पेशकश करे। प्री अप्रूव लोन ग्राहक को बिना किसी गारंटी या सुरक्षा के उपलब्ध करा दिया जाता है। अधिकांश मामलों में आपको लोन उसी बैंक से मिलता है जहां आपका अकाउंट होता है। अब मैं आपको बताती हूं कि आपको लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफर दिखने में साधारण लोन की तरह ही होता है, बस इसकी ब्याज दरें सामान्य लोन की तुलना में ज्यादा होती हैं। प्री अप्रूव्ड लोन लेने से पहले दूसरे बैंकों के टेन्योर, नियम, शुल्क यानी कि चार्जेस और ब्याज दरों और शर्तों को आप जरूर देख लें, उनकी कंपैरिजन यानी तुलना जरूर कर लें। इस बार प्री अप्रूव्ड लोन का इस्तेमाल आपको लोन प्रोडक्ट बेचने के लिए ही किया जाता है। कई मामलों में SMS या ईमेल के जरिए फर्जी लोन ऑफर करने में फंसाया जा सकता है। प्री अप्रूव लोन लेने के लिए आपको सिर्फ बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑफर जोन में जाना होगा। यहाँ आपको होम, कार, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, इसलिए आपको आपके आसपास मौजूद किसी भी लोन एग्रीगेटर से संपर्क आप कर सकते हैं। प्री अप्रूव लोन ऑफर होने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जमा आप घर बैठे ही करा सकते हैं। ऑनलाइन इसकी राशि को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे अपने आसपास मौजूद ब्रांच में विजिट करने के बाद प्री अप्रूव लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते चलते एक और बात आपको बता देती हूँ, प्री अप्रूव्ड लोन कुछ खास वजहों के चलते रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में देर कर देते हैं तो भी ये लोन रिजेक्ट किया जा सकता है।